ESPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर सामने आती है कि वसुंधरा राजे बगावती तेवर अपनाने वाली है। इसी बीच आपको बता दें कि जहां पर बगावती तेवरों को लेकर ये कहा गया कि उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने 5 विधायकों को एक रिजॉर्ट में कैद कर लिया है, बाड़ा बंदी कर ली है, इसके बाद यहाँ पर वसुंधरा राजे का एक बड़ा बयान सामने आता है। आपको बता दें कि इस गहमा के बीच एक ट्वीट वसुंधरा राजे का काफी चर्चाओं में देखा जा रहा है, जिसमें सीधे सीधे तौर पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया है। राजस्थान के सीएम पद पर गहमा गहमी के बीच राज्य के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक पोस्ट किया है। वसुंधरा राजे ने 3 राज्यों एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रचंड विजय इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। आज संसदीय दल की बैठक में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सांसदों द्वारा शानदार स्वागत किया गया। इसके बाद यहां पर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि बगावती तेवर वसुंधरा राजे अपना सकती है, वो तेवर कहीं ना कहीं इस ट्वीट के माध्यम से धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने विधायकों दल के नेताओं के चुनाव के लिए बीजेपी केंद्रीय पर्यवेक्षण के नाम की घोषणा कर सकती है, जिसके तहत यहां पर मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी की जाएगी। और जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि लगभग 1 से 2 दिनों में यहां पर मुख्यमंत्रियों को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। यहाँ पर बाबा बालकनाथ की मुलाकात होती है, वसुंधरा राजे की मुलाकात होती है, इन मुलाकात के मायने यहाँ पर बड़े बड़े निकाले जा रहे हैं। अब देखना होगा कि राजस्थान में वसुंधरा राजे होंगी मुख्यमंत्री या बाबा बालकनाथ।